राजा भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई किसान आंदोलन में बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, युवा साथी सब बढ़ चढ़ कर भाग लेने लग रहे हैं। भाई ये छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सको, छोटे छोटे लड़के ये भी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। बारिश होने लग रही है, कड़ाके की ठंड है और भाई मतलब दूर भी है, लगभग 100-150 किलोमीटर दूर यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ किसानों के लिए। इन बात बचा रहे ना, कैसे हो छोटो? ठीक हो छोटो? क्या करना रहा भाई? मैं किसान आंदोलन की तरफ से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी भाई, किसान आंदोलन की तरफ आ रहा है। मैं जब तक ये किसान आंदोलन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। अच्छा बोल बेटा। हाँ भाई छोटू बोल, मैं किसान बोल बोलना भाई शर्मा, तू बोल भाई। कौन सी क्लास में पढ़ा भाई तू? मैं 8th में। 8th में तू बोल ले। अच्छा किसके ला रहा है? मैं अकेला। अकेला आ रहा है? अच्छा हां भाई, किसान यूनियन बोलते। किसान यूनियन भाई नारे लगा दो एक बार। किसान यूनियन जय जवान जय जवान जय जवान। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी मर गया। दोबारा रखिए ये बात। भाई छोटे बच्चों के अंदर आप ये जोश और जुनून ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब किसान आंदोलन भाई कुछ तो, क्योंकि क्या है इनकी उम्र ही, कितनी उम्र आपकी बेटा? मैं 11 साल का हूँ। अच्छा 11 साल के। ये जोश भरे ये नारे कहाँ से सीखे हैं आपने? मैंने हमारे अंदर ऐसा ही जोश। देश के प्रधानमंत्री को आप ये कह रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये कहाँ से सीखा आपने भाई? गलत बात नहीं है ऐसे बोलना है भाई? जमीन के लिए कहते नहीं है भाई, ऐसे तो कहना पड़ता है। कहना पड़ता है भाई। हाँ भाई, देश के प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को इसलिए कह रहे हैं, वो हमारी जमीनों जमीन को छीनना चाहता है, कब्जाना चाहता है। कौन कह रहा बात? हम कह रहे हैं। चलो भाई आप कहाँ से भाई? हम टटोली गांव से हैं जी। अच्छा बच्चों के साथ में? हाँ बच्चों के साथ में आए, बच्चों लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के? मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे, काला कानून वापस ले लो, जब तीना लेंदे हम यहाँ छिड़ने वाले नहीं। पक्का? पक्का जी। लेकिन सरकार तो उनके तरफ फायदे के लिए कानून ना, फायदा कुछ नहीं है जी। या जी फायदा खतरा आई थी है देख लो, बहुत नुकसान कर दिया। चलो हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप आंदोलन को लेकर? भाई साहब मैं तो ये कहना चाहूंगा भी, देखो 6 मीटिंग पहले हो चुकी, अब देखो 7वीं मीटिंग है 4 तारीख को कल को अपनी जी। वैसे अपनी सरकार पूरी मतलब मान चुकी है ये हमारे को, वैसे जीत कल को पूर्ण बहुमत में अपनो लग रहा भी जीत अपनी होगी। ये अगर जीत ना हुई हमारी कल को, हमारी 500 जथेबंदियों का ऐलान है भी 26 तारीख को जाकर हम अपना किले को हाँ किसान परेड करेंगे, वहां जाकर उसको घेरेंगे। जितने हमारे 1,00,000 ट्रैक्टर हैं हरियाणा पंजाब ऑल वर्ल्ड के, जितने भी अपने हमारे ट्रैक्टर हैं सारे वहां जाकर घुसा देंगे। मैं ये अपील करता हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये कानून कल को वापस ले ले, नहीं तो फिर देख लेना क्या होगा। मैं यही बेनती करूंगा, इनकलाब हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, बोले सोनिया भारत भाईचारा, भारत भाईचारा, जय जवान जय किसान। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, जीत हमारी पक्की है। ये आप जुनून और जोश देख सकते हैं, एक बार थोड़ा बच्चों से थोड़ा दूर भाई, वो नारे एक बार भाई, इनके नारे लगा रहे हैं बार बार, इन्हें 3-4 घंटे हो गए यहाँ नारे लगांदे लगांदे, तो इस करके नारे लगाओ भाई एक बार। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी साला हाय हाय, मोदी साला हाय हाय, मोदी साला हाय हाय, हिटलर साला हाय हाय, दो जलेबी एक लड्डू, मोदी मर गया कि लड्डू, दूध की बाटी दो यो ना, मोदी मर गया रोई।
चलो भाई भाई साहब ले भाई, क्या कहना चाहोगा भाई? बता यार, ये तो हूं डर रहा है। चलो भाई कोई नहीं, भाई का डाटा चढ़ रहा, पहले भाई उसका डाटा चढ़ रहा, कोई ले लिया ले लिया। चलो भाई, वीडियो आपने कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ये आंदोलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। इसमें जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी इस आंदोलन के अंदर शामिल होने लग रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।